हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, राइट। चलिए नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लेट करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जब आपने लेट कर लिया तो इक्वेशन फॉर्म होगी, और एक बार इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली तो देन उसको सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, लेट कैसे करें, इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, और इक्वेशन फॉर्म हो गई तो उसको सॉल्व कैसे करें, राइट। तो ऑब्वियसली इक्वेशन सॉल्व करना आपने ऑलरेडी सीखा होगा, यहाँ सीखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है। नाउ बिफोर दैट, सबसे पहले इक्वेशन के लिए फॉर्म करने के लिए लेट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर, 1 2 3 4, -1 -2 -3, कुछ भी। लेकिन अब इसमें से पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तो हट गए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक, मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 6, एक 10 है तो दूसरा 11, एक 16 है तो दूसरा 17, मतलब एक छोटा एक बड़ा, राइट। तो ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, हमने दो ऐसे लेट करने हैं ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, लेट से अगर एक नंबर हमने 5 कंसिडर किया तो उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट होगा 6, एक अगर 10 है तो उसका नेक्स्ट होगा 11, एक अगर 14 है तो नेक्स्ट होगा 15। तो अब अगर आपको पहला नहीं पता, आपने इसको अगर x मान लिया तो नेक्स्ट कितना होगा, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा, तो x प्लस 1 होगा। सो लेट दी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, राइट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म होगी सम ऑफ हूज स्क्वायर। तो हम पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, हम दूसरे नंबर का होल स्क्वायर करेंगे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल्स टू होना चाहिए 365। ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, राइट। ओके नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x को सॉल्व करते हैं, चलिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, बट ये वाला a प्लस b होल स्क्वायर के टर्म में ओपन होगा, ध्यान रखिएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 1, और 2 इंटू a इंटू b विल बी 2x। आई होप ये वाला पार्ट भी सभी को समझ आया। x स्क्वायर और x स्क्वायर तो हो गया 2x स्क्वायर, और एक 2x यहाँ ऑलरेडी था, और ये एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव 365 इधर आके -365 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस करके 364 हो गया, इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज सॉल्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 2 1 8 2 16, और आई थिंक 182 होता है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके इसको कैमरे को टिल देन हम लोग यहाँ लेके चले जाते हैं, ठीक है। नाउ इसको कलर चेंज करके सॉल्व करते हैं। अब हमें इसको स्प्लिट करना है फैक्टराइज करने के लिए, तभी हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। नाउ अब आपने इसको 1 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182, और माइनस करके आना चाहिए 1 यहाँ पर, राइट। अगर आप ऐसे दो नंबर नहीं सोच पा रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आता है और माइनस करके 1, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 182 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, और 182 के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए 91, और आई थिंक ये 7 से कैंसिल होगा, 7 वन जा 7 थ्री जा, और ये 13 हो गया। अब यहाँ पे 182 के फैक्टर्स हैं 2 × 7 × 3। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाइए जिनको माइनस करके 1 आता होगा, तो आई थिंक 7 × 2 अगर आप करेंगे तो ये 14 हो गया, और 14 और 13 इसके दो पेयर हो गया, तो इसको ब्रेक करते हैं 14 − 13 में। नाउ अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस, बाहर पॉजिटिव है तो उस पे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x को हमने कॉमन लिया अगर, तो x प्लस 14 पहले दो टर्म में, और माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 दूसरे टर्म में, दोनों में से x प्लस 14 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आई होप ये वाला पार्ट सभी को पता होगा ना कैसे सॉल्व करना है इस वाले केस में, ठीक है। देखो पहले दो टर्म में, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन दोनों में x कॉमन है, तो जब आप x स्क्वायर में से x बाहर ले लोगे तो सिर्फ एक सिंगल x बचेगा, 14x में से x बाहर ले लोगे तो 14 बचेगा, 13x, और इसमें से देखो दोनों के साइन नेगेटिव हैं, बट हमें यहाँ
अंदर ब्रैकेट में ऐसी चीज सेव करनी, मतलब यहाँ रखनी होती है जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो, तो इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। -13 आपने कॉमन लिया और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस 14 रह जाएगा, क्योंकि 182 का अगर 13 वन फैक्टर आपने बाहर ले लिया तो दूसरा 14 यहाँ पे रह जाएगा। अब इस वाले टर्म में फिर माइनस इस वाले टर्म में, देखिए दोनों में एक्स माइनस प्लस 14 कॉमन है तो वो कॉमन लिया, तो पहले वाले टर्म में से एक्स माइनस प्लस 14 बाहर आया तो यहाँ पे एक्स बच गया, और सेकेंड वाले टर्म में से एक्स प्लस 14 बाहर आया तो यहाँ पे माइनस 13 बचा। अब यहाँ पे ये देखिए पहला टर्म चीज है, ये दूसरा नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू जीरो हो, तो पहली वैल्यू को अगर जीरो के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू माइनस 14 आ गई, और सेम वे अगर दूसरी वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13। नाउ अब एक्स की वैल्यू दो आई है यहाँ पे, एक 13 और एक -14। -14 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली जो हमें लेट फाइंड आउट करना है वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो -14 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या होगा 13, सो जो नेक्स्ट नंबर होगा 13 प्लस 1 विल बी 14। तो 13 एंड 14 हमारे दो ऐसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम इक्वल टू है 365। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया आप सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।